कि मेमोरी में कुर्सी ऐसे गुडनेस ली हुई, हाँ कि कोई आने वाला था इधर, कोई आया नहीं आई। वैसे थ्री हीरो प्रोजेक्ट होने वाली थी, ओरिजिनली स्क्रिप्ट में दो कैरेक्टर्स थे, सैफ और मैं, और तीसरा हीरो ये पुनीत। करेक्ट, नो डायरेक्टर तो था नहीं सेट पे कोई। डायरेक्टर बुलीड, वाज बुलीड बाय बोथ एक्टर्स। सैफ जस्ट मेट मी एंड ही टोल्ड मी व्हाई यू टेकिंग माय नेम एवरीवेयर फॉर फ्री पब्लिसिटी, बट वी नीड पब्लिसिटी, व्हिच इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। सेट पर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी एक्चुअली, क्योंकि वी यू प्लान आवर शूट इन सच। करेक्ट, क्या था सेट पर, एक स्टार था और एक लेबरर। लेबरर सेट पे आ जाता था, स्टार की वेट होती थी, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर चल रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं टू द प्रोमोज, टू द सॉन्ग्स, तो नर्वसनेस थोड़ा कम हुआ है। बट सच कहूँ तो मुझे 5 साल हो गए और वो नर्वसनेस कभी पूरी तरह से जाता नहीं है। इट्स ऑलवेज देयर इन द वीक ऑफ रिलीज। के बाहर शूट कर रहे थे ना, पूना के बाहर शूट कर रहे थे हम किसी पहाड़ के ऊपर। पूरे यूनिट में किसी एक बंदे के सेलफोन पर रिसेप्शन नहीं था। इनका ना सिर्फ सेलफोन चल रहा था, 3G भी चल रहा था। आई डोंट नो हाउ, तो आई एम गेसिंग यस एक स्टॉप ब्लॉक में कट मिलेगा सर। यू आर फिनिश द इंटरव्यू? अच्छा देन फॉर माय शो ऑफ द सर। आप जाने वाले थे? कहां? आपने अभी बाय बोला था। अपन इधर आने के लिए। अच्छा, वो लोग इधर चिल्ला रहे थे। वी गेव हाफ द इंटरव्यू विदाउट यू। होप कि फ्राइडे के बाद आप लोग और विंस करो। फुल स्टॉप नाउ। करेक्ट, फुल स्टॉप नाउ। इसलिए आई होप यू ऑल हैवन मेंशनड दैट आई एम कमिंग लेट एंड ऑल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान, डिड यू? आई डिड नॉट से। तो मतलब गाइस, व्हाट हैव यू ऑल सेड बिफोर आई हैव रीच्ड हियर? हां, नो नो, वी वर ट्राइंग टू गेट यू एन एंडोर्समेंट फॉर अ मोबाइल फोन। सर, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने धत्तेरी की के 4 दिन गाने के आपने 400 दिन लगाए। क्यों 4 दिन के 400 दिन कैसे लगा सकते हैं आप? ईशा के इतने बड़े फैन हो सर। मैं सिर्फ शी इज अ वेरी प्रीटी गर्ल। गोरी तो वो है फिल्म में। आपकी गोरी है वो सर। ऐसे रूमर मत फैलाइए आप प्लीज। हां, यू आर विद मी ना इमरान ऑन दिस। थैंक यू ऑल, इट्स बीन वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। अभी मैं बताने शर्मा तो मेरा नाम है फिल्म में। ओह ओके सर। और मैं शादीशुदा हूं। मैं दिया शर्मा की बात कर रहा हूं। कुछ तो शर्म करो। आप तो बात-बात पे मुझे ऐसे गुस्सा करती है। दैट्स नॉट राइट। लिसन क्या बोल रहे हैं? लेट्स आस्क अ सीरियस क्वेश्चन बिकॉज़ ये बहुत अच्छी फिल्म है। सीरियस फिल्म है, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म। सीरियस फिल्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा ओके सॉरी। बट आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये यू नो दिस इज अ वेरी स्वीट फैमिली एंटरटेनर। ये फिल्म जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं। ये फिल्म में ना ही इट्स अ स्वीट फिल्म यू नो, और ऐसी टाइप की फिल्म अभी आई नहीं है बहुत वक्त से जो हम हॉलीवुड में भी पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट बताते हैं। पिछले 2-3 महीनों से बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं एंड देयर हैज नेवर बीन दिस रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ फिल्म एंड आई थिंक इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग क्योंकि बहुत ही स्वीट सी फिल्म बनी है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। जब लोग थिएटर में जाएंगे दे विल नॉट कम आउट एंड से दैट दे विल कम आउट एंड से कि बहुत मजा आया फिल्म देख के। बट मैं सैफ के बारे में क्या क्यों बोलूं भाई? बुलेट राजा ने इमोशंस अगले हफ्ते की। ऐसे ही शादी है, नहीं मेरे हीरो है तो मैं उनकी तारीफ क्यों करूं? ऐसे ही शादी कर। बुलेट राजा प्रमोशंस नेक्स्ट वीक। प्लीज आप मैं आपकी फैन हूं। मैं आपकी फैन हूं क्योंकि आपको जब भी मिलती हूं आपके क्वेश्चंस जो है माइंड में। दिस हैज बीन द बेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय करियर विद इमरान एंड पुनीत। दे वर ऑल सच अ यंग टीम एंड आई थिंक दैट्स वाई जिस तरह जब फिल्म पर्दे पे आएगी तो वैसे लगेगा कि इतना मज़ा आ रहा है फिल्म देख के। तीनों ने कैसे हंसी मजाक से फिल्म बनाई है। थैंक यू तसन।